नीमच के अग्रवाल सोया फैक्ट्री के मालिक दीपक अग्रवाल उर्फ दीपक सिंगल को एक माह पहले एटीएस भोपाल ने गिरफ्तार किया था। अब उज्जैन आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी कि ईओडब्ल्यू ने भी फर्म के फर्जी लेन देन पर शिकंजा कसा है। इंदौर की एक फर्म की शिकायत पर ईओडब्ल्यू 2021 से अग्रवाल सोया के लेन देन की जाँच कर रही थी। अब तक जांच में सामने आया कि अग्रवाल सोया के चार मालिकों ने दिल्ली भोपाल इंदौर नीमच सहित कई जगह पर 36 फर्जी फर्म खोलकर उनके नाम पर 1,98,00,00,000 रुपये का लेन देन किया है। कंपनी मालिकों ने करीब 2 अरब रुपये की ब्लैक मनी को वाइट कर 10,00,00,000 रुपये की टैक्स चोरी की है। मामले में बुधवार को ईओडब्ल्यू ने 80 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार अभी जांच जारी है और भी फर्म व लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा सकता है। नीमच केस में जो अग्रवाल सोया के मालिक है गोपाल सिंगल, शालिनी सिंगल, दीपक सिंगल, नवनीत गर्ग सहित 36 फर्जी कंपनी के मालिकों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों के 80 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक जीएसटी और सीजीएसटी ने सबसे पहले इंदौर की कपिल ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की थी। इसमें अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी धामनिया नीमच द्वारा लेन देन करना सामने आया। इसके बाद कपिल ट्रेडिंग कंपनी के संचालक ने कार्यवाही से बचने के लिए ईओडब्ल्यू में 2021 में शिकायत दर्ज करवाई कि नीमच की अग्रवाल सोया ने मेरे नाम पर लेन देन किया है जबकि उससे मेरा कोई लेन देन नहीं हुआ। उसके बाद ईओडब्ल्यू ने अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की। इसमें ईओडब्ल्यू को चौंकाने वाली जानकारी मिली। अग्रवाल सोया ने जिस स्थान पर पंजीकृत कपिल ट्रेडिंग कंपनी से लेन देन किया वे मौके पर है ही नहीं। इसी तरह 3-4 कंपनियों की जांच की तो वे भी मौके पर नहीं मिली। इस तरह अग्रवाल सोया के मालिकों ने 36 फर्जी कंपनियों के साथ 1,98,00,00,000 से अधिक का फर्जी लेन देन किया। अधिकारियों के अनुसार इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से संचालकों ने ब्लैक मनी को वाइट करने के साथ सरकार से 10,00,00,000 रुपये की टैक्स चोरी भी की। नीमच स्थित अग्रवाल सोया कंपनी ने 2017 से 2022 के बीच 36 बोगस फर्म और उनके मालिकों के साथ मिलकर कूटरचित इनवाइस बिलबिलिटी तैयार किए, सोयाबीन डीओसी की फर्जी खरीद फरोख्त बताई। गोपाल सिंगल, शालिनी सिंगल, दीपक सिंगल, नवनीत गर्ग ने अपनी कंपनी अग्रवाल सोया के मालिक के रूप में फर्जी ट्रांसपोर्ट, नारायण फ्रेट कैरियर, आदर्श नगर इंदौर सहित दूसरी बोगस फर्म के बिल लगाकर 2 अरब का फर्जीवाड़ा कर 10,00,00,000 रुपए की टैक्स चोरी की है। नमस्कार, नीमच टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अगवान। बीते दिन उज्जैन की ईओडब्ल्यू ने एक बड़ा खुलासा किया है जिससे न सिर्फ नीमच में बल्कि प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, 36 फर्जी फर्मों के सहारे 200,00,00,000 के फर्जी लेन देन का एक मामला उजागर किया गया है जिसमें 10,00,00,000 की टैक्स चोरी का मामला भी उजागर हुआ है जिसमें नीमच की फर्मों के भी नाम आए हैं। और आप मेरे पीछे जो ये फर्म देख रहे हैं ये सोया अग्रवाल फर्म है जिनके 4 लोगों पर यानी 4 मालिकों पर भी केस दर्ज किया गया है। ये धोखाधड़ी सहित कई मामलों में टैक्स चोरी सहित शासन को हानि पहुँचाने सहित विभिन्न धाराओं के अंदर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है और जाँच अभी भी सतत यानी कि लगातार जारी है। और ये जो 4 मालिक है सोया अग्रवाल के, चाहे वे दीपक सिंगल हो, चाहे शालिनी सिंगल हो, या फिर गोपाल सिंगल हो, या नवनीत गर्ग हो, ये 4 लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। ईओडब्ल्यू ने तकरीबन 80 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। अभी हम इस वक्त जो खड़े हुए हैं ये झांझरवाड़ा क्षेत्र है, इंडस्ट्री एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर सोया अग्रवाल की ये जो फर्म है इस फर्म के मालिकों पर भी मामला दर्ज किया गया है। ये मामला ऐसा है कि जो अग्रवाल सोया एक्सट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमच एक कंपनी है, इन्होंने अन्य 36 जो फर्में हैं उनको शेल फर्जी फर्में बनाकर उनसे फर्जी डीओसी का व्यापार दर्शाकर लगभग 2 अरब रुपए का व्यापार दर्शाया है जिसमें लगभग 10,00,00,000 रुपए का टैक्स चोरी का मामला है। उसके आधार पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। टैक्स चोरी का बताया जा रहा है तो टैक्स चोरी तो जीएसटी का मामला है या ईओडब्ल्यू का, इसमें क्या? नहीं, इसमें आपराधिक, इन्होंने चूंकि फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया है और शासन के साथ धोखाधड़ी की है, वो शासन को हानि पहुंचाई है, इसलिए आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है। किसने शिकायत करी थी सर, और उसमें भी उसकी भूमिका थी? इसमें कपिल ट्रेडिंग कंपनी ने शिकायत की थी और कपिल ट्रेडिंग कंपनी की शिकायत की जाँच के आधार पर प्रकरण हमने आगे जाँच शुरू की। बाद में पाया गया कि अग्रवाल सोया के साथ कपिल ट्रेडिंग कंपनी भी उसमें
मिली हुई है, इसलिए उसको भी आरोपी बनाया। इसमें कुल कितने आरोपी है और अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? इसमें लगभग 80 आरोपी हैं भी वर्तमान में पंजीबद्ध हुआ, जिनमें फर्म और उनके संचालकों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं लगभग 36 फर्म है। अच्छा, इसमें ये कितने करोड़ का ये घोटाला है? ये लगभग 1,98 करोड़ रुपए का घोटाला है। और अभी तक इनके खिलाफ किन किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ? हमने इसमें गबन, धोखाधड़ी व कूटरचित दस्तावेजों के तैयार करने के मामले में अपराध पंजीबद्ध, अभी अपराध पंजीबद्ध हुआ है, इन्वेस्टिगेशन होगा, साक्ष्य संग्रहित करने के बाद उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं है इसमें? नहीं, अभी तो अपराधी आज पंजीबद्ध।